हेलो स्टूडेंट्स, इन व्यू ऑफ करंट सिचुएशन फेस्ड ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 आउटब्रेक, द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट इज आवर प्राइम कंसर्न। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th, that is reproduction. The reproduction unit contain total 4 chapter. First chapter is reproduction in organism. Second chapter is sexual reproduction in flowering plants. And third chapter is human reproduction. And fourth chapter is reproductive health. First we will start reproduction in organisms. So now first heading of this chapter is life span. The definition of life span: the period from birth to natural death of an organism. What is the life span? The period from birth to natural death of an organism is called life span. Life span does not consider the death of accidental or any other death. Second important point of this heading: life span of some organisms are given following. Mayfly life span is 1 days, crow life span is 15 years, the life span of parrot is 140 years, and the life span of banana tree is 200 years. तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन इज मे फ्लाई, दैट इज 1 days. तो हियर देर आर 4 एग्जाम्पल गिवेन. फर्स्ट इज मे फ्लाई, सेकेंड इज क्रो, थर्ड इज पैरट एंड फोर्थ इज बनियान ट्री. तो लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई इज 1 days, क्रो 15 years, पैरट 40 years and banyan tree 200 years. Next important point related about this heading: the life span of an organism are not necessarily correlated with their size. Life span of an organism not related with their size. For example, the size of crows and parrot are not very different, but their life spans show wide difference. Now we can say that the life span of parrot is approximately 15 times more than the life span of crows. Like that, the life span of life span of peepal tree is more than mango tree, but the size of mango tree and peepal tree are approximately same, but life span is different. Second important point given in your book NCERT, that is the death of every individual organism is certainty. That is, no individual is immortal except single celled organism. And in the book of NCERT, one question asked, why do we say there is no natural death in single celled organism? Yani, the death of every individual is certain except single celled organism. To understand this concept, first we discuss, that is,
द मल्टी सेलुलर एनिमल बॉडी कंटेन टू पार्ट. द मल्टी सेलुलर एनिमल बॉडी कंटेन टू पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज सोमैटिक पार्ट, दैट इज कॉल्ड सोमा, एंड सेकेंड पार्ट इज जर्मिनल पार्ट, दैट इज जर्म. द सोमैटिक पार्ट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड दिस पार्ट इज मॉर्टल, एंड जर्मिनल पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज इमॉर्टल. तो मल्टी सेलुलर एनिमल बॉडी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, द फर्स्ट इज सोमैटिक पार्ट एंड सेकेंड इज जर्मिनल पार्ट. सोमैटिक पार्ट मीन्स सोमा, जर्मिनल पार्ट मीन्स जर्म. सोमैटिक पार्ट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड दिस पार्ट इज मॉर्टल. जर्मिनल पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस पार्ट इज इमॉर्टल. जर्मिनल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. दैट इज वी कैन से दैट द जर्मिनल पार्ट इज दैट पार्ट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड सोमैटिक पार्ट इज मॉर्टल विच लीड्स टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू सोमैटिक पार्ट एंड जर्मिनल पार्ट. दैट्स व्हाई वी से दैट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मेनी पीस या मेनी फ्रेगमेंट, देन ईच फ्रेगमेंट कंटेन बोथ सोमैटिक पार्ट एंड जर्मिनल पार्ट. दैट्स व्हाई वी से दैट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा आर इमॉर्टल. नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट इज रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग आर यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. सो दैट इज द रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ मीन्स सिमिलर टू इट्स पेरेंट. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इफ एनी स्पीसीज एग्जिस्ट इन द नेचर ड्यू टू रिप्रोडक्शन, इफ रिप्रोडक्शन इज नॉट टेक्स प्लेस देन द स्पीसीज बिकम्स टू एक्सटिंक्ट. यानी रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स. द फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ आर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बट नो फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मे बी टेक्स प्लेस आर मे नॉट बी टेक्स प्लेस. इफ गैमेट इज फॉर्म्ड देन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट.
In asexual reproduction, the offspring that are not produced are identical but to one another, but are exact copies of their parents. The term clone is used in asexual reproduction. What is the clone? The morphologically and genetically similar individual is called clone. And third important point of asexual reproduction is it is simple and fast process. Now, the sexual reproduction, when offspring is produced by formation and fusion of male and female gamete, is called sexual reproduction. Sexual reproduction results in offspring that are not identical to parent. Sexual reproduction leads to variation. Sexual reproduction is an elaborate, complex and slow process, but asexual reproduction is simple and fast process.